वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर एक निजी चैनल के शो पर जो बयान दिया था, उस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कंगना के भीख में स्वतंत्रता मिलने वाले बयान पर वरुण गांधी ने ट्वीट करके कसा तंज। उन्होंने लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अब कंगना ने इस पर पलटवार किया। कंगना ने वरुण गांधी के ट्वीट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाते हुए भड़ास निकाली। उन्होंने अपनी बात रखते हुए लिखा कि गांधी को आजादी भीख में मिली थी, जा अब और रो। कंगना के इस बयान ने कई लोगों को नाराज किया, जिसकी वजह से उनका नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग कंगना के लिए अलग अलग बातें भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। कासगंज की सदर कोतवाली में अल्ताफ की मौत का मामला बेहद पेचीदा हो चुका है। इस मामले में कई ऐसे मोड़ हैं जिनका हिसाब रखना दूभर हो रहा है। सोशल मीडिया पर अल्ताफ को न्याय दिलाने के लिए तरह तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हाल ही में #justiceforAltaf ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। वही मुरादाबाद में पहुंचे ओवैसी भी ये कहते दिखे कि उस बाप ने इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। देखिए जरा, मैं कह रहा हूं कासगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा पुलिस स्टेशन में, कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग, तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो, तुमने, तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो, बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है। बता दें कि मुरादाबाद में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र करुला पीर का बाजार मैदान में जनसभा की, जहां उन्होंने अल्ताफ की मौत को लेकर कासगंज पुलिस पर जमकर हमला बोला। हमारी अगली खबर भी इसी केस से संबंधित है, क्योंकि इसी मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अल्ताफ की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ठोको नीति की तर्ज पर किया जा रहा है। आपके हथियारों को, इंसाफ को, इंसाफ को। अब जरा अभी तक इस केस में अपडेट जान लीजिए। एक लड़की के गायब होने से संबंधित मामले में अल्ताफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई। पुलिस पूछताछ के बहाने उसे 8 नवंबर को अपने पास अपने साथ लेकर आई। 9 नवंबर को अल्ताफ की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि उसने कोतवाली के टॉयलेट में नल की टोटी में फांसी लगा ली, जबकि परिवार का कहना था कि अल्ताफ की हत्या हुई है। अल्ताफ के पिता चांद मियां का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया उनके बेटे ने आत्महत्या ही की है, लेकिन अल्ताफ की मां का कहना है कि उनके पति ने दबाव में ऐसा कहा था। 10 नवंबर की शाम को अल्ताफ के पिता द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें चांद मियां लिखते हैं कि मेरे पुत्र अल्ताफ ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली। इस खत के नीचे चांद मियां का अंगूठा लगा हुआ था। इसके साथ ये खबर भी आई कि भैया अल्ताफ के परिवार से वादा किया गया है कि उन्हें 10 लाख की मदद दी जाएगी, लेकिन जब देर शाम प्रेस ने अल्ताफ के पिता से जाकर खत के बारे में पूछताछ की, बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि भैया जहां जहां पुलिस ने अंगूठा लगवाया वहां वहां उन्होंने लगा दिया, उन्हें नहीं मालूम है कि कागज में क्या लिखा गया था, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। बहरहाल इस मामले में राजनीति काफी गर्म हो गई है। अलग अलग पार्टियां जो है वहां पर जाकर, मतलब अल्ताफ के परिवार से जाकर मिल रहे हैं, उनके पिता से मिल रहे हैं, उनकी माँ से मिल रहे हैं। तो भैया ये था कुल मिला जुलाकर आज का वायरल खबरों का शो का हिसाब। लेकिन जाते जाते सुन लीजिए कि यूपी से जुड़े तमाम अपडेट्स और सही जानकारी के साथ खबर आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी तक की वेबसाइट पर ही मिलेगी। तो जाइए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट को, और हाँ, वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।